और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की, जिसके लिए आज तक की जबरदस्त तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां, अमेरिका की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 26 तारीख को कदम रखेंगे, लेकिन मोदी की यात्रा से अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों में अभी से जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। मैडिसन स्क्वायर में खासकर मोदी के स्वागत के लिए खास तैयारियां हैं। हमारे संवाददाता राहुल कंवल की ये रिपोर्ट। न्यूजर्सी में देर रात हो चुकी है और दिन भर काम करने के बाद ये लड़कियां तैयारी कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 28 सितंबर को परफॉर्म करने के लिए। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से यहां पर आई ये लड़कियां मैडिसन स्क्वायर गार्डन में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गरबा परफॉर्म करने वाली हैं। ये मौका, ये अवसर क्या मायने रखता है अमेरिका में रह रही इन लड़कियों के लिए, इनके माताओं पिताओं के लिए? आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने परफॉर्म करना आप लोगों के लिए कितना अहम है और क्यों। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? आप अगर हिंदी नहीं जानती तो आप अंग्रेजी में भी जवाब दे सकते हैं। What's the question? कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है पीएम मोदी के सामने परफॉर्म? बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया का पीएम है और वो यहाँ आ रहे पहली बार अमेरिका में, और हमारा भाग्यशाली है कि हमें इतनी अच्छा मौका मिला कि हम उनके सामने परफॉर्म कर सके। ये बताइए कि आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है अपने कल्चर को जिंदा रख पाना यहाँ अमेरिका में, गरबा प्रैक्टिस करना जब यहाँ पर अमेरिकी म्यूज़िक कितनी धूम रही थी? मुझे हिंदी वो पता नहीं है, पर you know, it's very hard to preserve culture here in America, and it's just you know, the activities and temples and stuff that we have here in America actually brings out our cultures, such as choreographers, you know, being in performances, schools, temples. So I think we could definitely preserve our culture here in America. वो भारत का तिरंगा जो कि लहराएगा मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर, एक ऐसा मौका जो कि इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि इससे पहले दुनिया के किसी भी नेता ने इस तरीके का कभी भी ना भाषण दिया ना कभी सभा करने की जरूरत की। तिरंगा गर्व से लहराएगा और इस तिरंगे के साथ लहराएगा अमेरिका का झंडा, क्योंकि ये लोग प्रतीक हैं न केवल भारत की संस्कृति के बल्कि अमेरिका की भी, क्योंकि इंडिया और अमेरिका दोनों को अपने दिल में साथ में लेके चलते हैं। अमेरिका में तो ये रहते हैं और अमेरिका का जो हिस्सा है वो तो हर रोज़ देखने को मिलता है, लेकिन इनका हिंदुस्तानी साइड वो पहली दफ़ा इस तरीके से बड़े पर्दे पर, बड़े स्टेज पर दुनिया के सामने होगा। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ राहुल कंवल, न्यूजर्सी, आज तक।